लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण की 14 सीटों के लिए प्रचार अब थोड़ी देर के बाद थम जाने वाला है। शाम के 6 बजते ही इन 14 सीटों पर चुनावी शोर खत्म हो जाएगा, थम जाएगा और डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत हो जाएगी। नेता डोर टू डोर जाकर अपना प्रचार कर सकेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी जनसभाएं, रोड शो, ये सब अब देखने को नहीं मिलेगा इन 14 लोकसभा सीटों को लेकर। 20 तारीख को यहां पर मतदान होना है। पूरे देश की बात की जाए तो 49 सीट पर मतदान पूरे देश में होना है 20 तारीख को। सबसे ज्यादा 14 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की, जहां पर 20 तारीख को यानी कि अगले चरण में, पांचवें चरण में वोटिंग होनी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आखिरी दिन किस तरह से शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और कौशाम्बी, बाराबंकी, ये वो जगहें हैं जहां पर, ये वो लोकसभा क्षेत्र जहां पर मतदान होना है पांचवें चरण में। आज प्रचार का आखिरी दिन, सभी राजनीतिक दलों की ओर से पूरी ताकत लगा दी गई है। लखनऊ जो कि राजधानी है उत्तर प्रदेश की, वहां पर भी पांचवें चरण में ही वोटिंग होनी है। अमेठी, रायबरेली भी इन सीट्स में शामिल है जो कि वीवीआईपी सीट्स हैं, इन पर भी सबकी निगाहें होंगी। कैसरगंज जहां पर ब्रजभूषण का टिकट कटा, उनके बेटे को टिकट बीजेपी ने दिया है, यहां पर भी मुकाबला बहुत रोचक है। ये सीट भी वीआईपी सीट ही कही जाएगी। तो इस तरह से ये 14 लोकसभा सीट जहां पर पांचवें चरण में मतदान होना है, 20 तारीख को मतदान होना है, थोड़ी देर में ही चुनावी शोर थम जाएगी और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। 10 सीट सामान्य की श्रेणी में है, 4 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यूपी में लोकसभा चुनाव का पांचवां चरण बहुत ही अहम है क्योंकि इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा दांव पर है। 20 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ लखनऊ पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए भी 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए कुल 144 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, यानी कि 20 तारीख को इन 144 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। प्रचार की अवधि खत्म होने के बाद इन निर्वाचन क्षेत्रों में सभी राजनीतिक दलों के बाहरी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की मौजूदगी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी जाएगी। तो बस कुछ पल और जबकि यहां पर प्रचार का शोर थम जाएगा और यही वजह है कि आज आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों ने इन क्षेत्रों में अपनी पूरी ताकत लगा दी। तो किस तरह से अलग अलग राजनीतिक दलों ने प्रचार किया अपने अपने क्षेत्रों में और कैसा समर्थन उन्हें देखने को मिल रहा है, कौन आगे कौन पीछे, इन तमाम बातों को जानने के लिए हमारे सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। अलाउद्दीन लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहनलालगंज का हाल भी अलाउद्दीन से हम जानेंगे। वहीं अश्विनी मिश्रा झांसी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जालौन के बारे में भी अश्विनी बताएंगे। धारा सिंह कौशाम्बी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, फतेहपुर के बारे में भी धारा सिंह से जानेंगे। और मोहन कुमार रायबरेली से इस वक्त हमारे साथ है। पप्पू पांडे अमेठी से इस वक्त हमारे साथ है, जहां पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। पप्पू पांडे, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ दो जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं अमेठी में, डिप्टी सीएम यहां पर जनसभाएं कर चुके हैं, पूरी ताकत अमेठी में लगा दी है बीजेपी ने। जी बिल्कुल, आपको बता दें पांचवें चरण में 20 मई को अमेठी लोकसभा सीट पे मतदान होना है। ये वो वीवीआईपी सीट में शुमार है जहां पर गांधी परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो वहीं भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी यहां से तीसरी बार मैदान में है। 2014 में वो अमेठी आई थी, हालांकि 2019 में अमेठी की जनता ने उन्हें सांसद बनाया, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता अमेठी पहुंचे और लगातार गांधी परिवार पर हमलावर रहे, वहीं स्मृति ईरानी अमेठी में नामदार और कामदार के बीच में अपना मुकाबला मान रही हैं। अमेठी की जनता को लेकर के जिस तरह के बयानबाजी हुई है कि यहाँ की जनता पहले किस तरह रहा करती थी, लेकिन जिस तरह से 2019 में स्मृति ईरानी मैदान में आई और अमेठी का मान सम्मान बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ देर पहले अमेठी से चुनावी हुंकार भर के गए हैं। एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। दो बार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो वहीं डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी आज पहुंचे थे। लगातार अमेठी लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए ये कवायद की गई है। तो कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी भी पूरी तरह से उत्साह से लबरेज नजर आ रही हैं 2024 के इस रण में। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा के समर्थन में प्रियंका गांधी ने भी आज जायस कस्बे में रोड शो किया है। तो दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी
सीट को लेकर अपनी अपनी तरह से जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अमेठी वो सीट है जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो। बने रहे हमारे